आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी संबल को सौंपा ज्ञापन। संबल जनपद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह के लिए सौंपा है, जहाँ पर उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण खत्म न करने की मांग को लेकर सरकार को चेताया है और कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी एवं मुस्लिम विरोधी है। यहाँ पर स्वर्ण जाति और व्यापारियों के हितों में कार्य कर रही है। इसी के विरोध में भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी संबल के लिए सौंपा है, जिसमें उन्होंने एससी एसटी ओबीसी की शिक्षा में किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ न करनी एवं आरक्षण संबंधी किसी भी संशोधन के विषय में विरोध जताते हुए सरकार को चेताया है और मांग की है कि सरकार को दलित विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी। ज्ञापन के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जिला मुख्यालय पर पहुंची। डीएन साहब के पास आए, किस लिए आए हो? हम लोग भारत में जो दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो तमाम विधेयक और किसान विरोधी जो तमाम विधेयक इस देश में पास करे जा रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने के माध्यम से आए। तो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं इस देश के अंदर निजीकरण बंद किया जाए, इस देश के अंदर किसानों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए, इस देश के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए, दलितों पर अत्याचार शोषण बंद किया जाए।